কেমন আছি? কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি, আপনারা দেখেছেন আমার খুব ভালো লাগছে। আই থ্যাংক ইউ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वेन है, आप देख रहे हैं स्वेन रिएक्शंस। यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ बांग्लादेश की एक बहुत मशहूर अदाकारा, जिस तरह जी कहा जाता है कि मलका तरन्नुम, और यहाँ पे जो नुसरत फ़तेह अली खान है, राहत फ़तेह अली खान है, इनकी बात होती है, वैसे ही ये लेजेंड किस्म की एक्ट्रेस शबनम जी, उनकी बात मैं कर रही हूँ, और जो कि जिन्होंने काफ़ी मुश्किलात पाकिस्तान में फ़ेस की, और फिर काफ़ी लंबे अरसे के लिए बांग्लादेश में चली गई थी, और फिर दोबारा पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तान में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो हैं इन्होंने दिए, और अपनी लाइफ के हवाले से पूरी की पूरी जो ठीक है कहानी है इन्होंने सुनाई, जो कुछ भी इन्होंने फ़ेस किया। यहाँ पे शबनम जी जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा लेजेंडरी किस्म की अदाकारा हैं। बांग्लादेश से और पाकिस्तान से इनका जो सफ़र है स्टार्ट हुआ, तो ये कंटिन्यूसली ना सिर्फ पाकिस्तान में रह रही थी, बल्कि इसके बाद जो है बांग्लादेश में भी काफ़ी अर्सा रह के काम करती रही हैं। वेल, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तान में दिया गया इनका इंटरव्यू, पाकिस्तान की जो मशहूर एक्ट्रेस हैं फिज़ा अली ख़ान, और जिनका मैं कहूँगी कि वो भी बांग्लादेश से ही बिलोंग करती हैं, वहाँ पे उनकी जो बर्थ है वही है, और काफ़ी टाइम जो है उन्होंने बांग्लादेश में गुजारा है, और वो बाकायदा बांग्लादेशी लैंग्वेज जो है वो बोलती हैं। फिज़ा अली की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों ने उनका नाम सुना हुआ हो, तो वो जी इंटरव्यू कर रही हैं शबनम जी का, तो लेट्स सी क्या बातें हो रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का इंटरव्यू। सो वीडियो आप लोगों ने देखनी है मेरे साथ आखिर तक। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक कर दिया करें, और अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। কেমন আছি? কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি, আপনারা দেখেছেন আমার খুব ভালো লাগছে। আই থ্যাংক ইউ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे ये फूल ले लूं, क्योंकि मैं आपकी इतनी खूबसूरत साड़ी, आपका इतना खूबसूरत लुक जो है इसके फूलों के वजन से यू नो आपको थकाला नहीं जाती। ये जाते वक्त आपके साथ जाएंगे मेरे दूसरे मेहमान, एक ऐसे कॉमेडियन है जिन्होंने ना सिर्फ सारी ज़िंदगी हमारे होठों पर हंसी बिखेरी, बल्कि हमसाए मुल्क में भी जाकर अपने फ़न की अजमत साबित की, और जिस तरह हम हर शोबे में हमसाए मुल्क से मुकाबला करते हैं, तो उन्होंने कॉमेडी के मैदान में ना सिर्फ उनका मुकाबला किया, बल्कि उन्हें बताया कि फिल्मी कॉमेडी क्या होती है, और पाकिस्तानी कॉमेडी की रू जुगत से उन्हें आशना करवाया। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं वेरी विटी, आई मीन नसीम विकी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको तो ये भी नहीं पूछ सकती भाला अच्छे तो बोलते पाड़ी बंगला है ना मैडम मैडम जी, पाकिस्तान और जी न्यूज़ नेटवर्क पर तशरीफ़ लाने के लिए हम आपको पूरी कौम की तरफ से तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब मुझे पता चला कि मैं मैडम को आज देखूंगा तो मेरे लिए यही एक ईद का दिन था, तो जैसे इनकी फिल्में देखी हुई हैं, इनकी एक एक फिल्म जो है वो एक एक 100 फिल्म के बराबर है। कैसा लग रहा है आपको अपने दूसरे घर पे आके, मतलब पाकिस्तान में आके? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत अरसा रही हूँ, बहुत सारे फिल्मों में काम किया, और सही बात है आजकल तो मैं सिंगल हो गई, रॉबिन साहब भी नहीं है, तो बहुत याद आता है, जब याद आते मैं आ जाती हूँ। तो सारी यादें आपकी पाकिस्तान से जुड़ी हैं उनके साथ? नेचुरल, यहाँ पे ज्यादा टाइम गुजारा ना हमने उनके साथ भी, और काम भी आपने ज्यादा फिल्म बहुत आपने किया। आपने बताया था किसी इंटरव्यू में अपने कि आपने वहाँ पर 30 फिल्में की हैं बांग्लादेश में। हाँ, 25 से 30 फिल्में। मोहतरमा, हमारे पास आपकी 170 से जायद यादें मौजूद हैं फिल्मों की सूरत में, और वो गाने जो आप पे पिक्चराइज किए गए थे, जब आप बांग्लादेश में होती हैं तो यहाँ की कौन सी ऐसी याद आपको बेचैन रखती है? बहुत सारे फिल्मों में मैंने काम किया है, मगर कौन कौन से फिल्म तो नहीं, कुछ फिल्म के आउटडोर जैसे शूटिंग के बाद बैठ के गप्पे मारते थे, यू नो दैट इज सब बैठ के, वो सब चीज़ें तो याद आती है। अब जब वहाँ अकेली बैठी रहती हूँ तो यही बातें याद करती हूँ, और बहुत उदास हो जाती हूँ।
आपकी कोई सहेलियां यहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत सारे सहेलियां, शोबिस से या फिर शोबिस से हट के? शोबिस में भी है, शोबिस के बाहर भी है। और जो शोबिस की आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, जो कोई वो खुद भी फिल्मों में आती हो? जेबा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जब मैं 68 में यहाँ पे आई हूँ, अली भाई और जेब ने हमें बहुत सपोर्ट दिए और मेरे साथ अभी तक जेब की बहुत अच्छी दोस्ताना जो है अभी तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1968 के उस वक्त के मग़रिबी पाकिस्तान और फिल्म इंडस्ट्री में आप तशरीफ़ लेकर आई। सुना है कि वहीद मुराद साहब आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। 50 साल पहले शुरू होने वाली कहानी क्या आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना पसंद करेंगी? जी हाँ बिल्कुल, वही साहब ही मुझे लाए हैं। और सबसे मज़े की बात है, मैं जब पहला दिन शूटिंग था मैं पहुँची, मेरी आदत है टाइम पर पहुँचने की, मैं 8 बजे पहुंच गई कि मेकअप करूंगी, टाइम लगेगा, 10 बजे मैं तैयार हो जाऊँ, कैमरा ओपन हो। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टर आ गए थे, प्रोड्यूसर नहीं है बिकॉज हीरो खुद ही प्रोड्यूसर था वही तो कुछ बोल भी नहीं सकती कि एनीवे कोई 2 बजे के करीब आए। मैंने कहा भाई अच्छा, ये नहीं नहीं सॉरी 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 हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा अच्छा फिर कल से मैं 2 बजे आया करूँ। कह रहे नहीं नहीं आप 10 बजे आए कर, कल से मैं भी 10 बजे आऊंगा। अच्छा, जो 10 बजे की टाइमिंग थी उसमें मेकअप इंक्लूड नहीं था, रोल टाइम 10 बजे होता था या जो कॉल टाइम होती थी उसी को? कॉल टाइम 8 बजे होती थी क्योंकि जब स्टूडियो पहुंचते थे डायरेक्टर आके मेकअप मैन को समझा देते थे कि ये कैरेक्टर है, ये लुक है, ये सीन है, तो मेकअप मैन जिस तरह मेकअप कर देते थे उसी तरह हम काम करते थे। ये तो तुसी हो वड्डे लोग हो, 10 बजे का टाइम कॉल टाइम आते 10 बजे बैठे हो, हूँ 10 बजे का टाइम दो, 2 बजे तक तो मेकअप रूम ची बड़िया रहनिया। तो बच्चियों को समझा कर क्यों नहीं काम पे भेजते? तू समझ नहीं है। बहुत अच्छे। ये किस लिए? चाचा जी कबर ते पा दी। चाचा जी अब उन्होंने अमानत दे दी है, अब टाइम से मर जाए वरना कल ये खराब हो जाएगा। हमारे जमाने में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे डायरेक्टर आके समझा दिया कहानी क्या है ये। जैसे एक फिल्म बनी थी जीनत जी, उसमें मैंने डबल कैरेक्टर किया जी, मदर एंड डॉटर जी, वो सिंध के बैकग्राउंड थे और उसमें ये था कि बेटी होगी तो वो नौकरानी के घर पे बड़ी होगी, ठीक, और बेटा जो है वो अंदर जमींदार के घर पे। अच्छा, तो बेटा का रोल क्या था? बड़ा मजे का रोल था उनका। और मैं जब पैदा होती हूँ मैं जाती हूँ सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी होती हूँ, ठीक, तो ये जो डिफरेंट है कि जमींदार की बीबी और सर्वेंट क्वार्टर में बड़ी हुई, उसमें मैंने मेकअप नहीं किया था, लड़की का यंग लड़की का मेकअप नहीं किया। और जहाँ जमींदार की बीबी बनी वो फुल गेटअप में थी, ठीक है, मेकअप जेवर अच्छे कपड़े, ताकि दो कैरेक्टर नजर आए डिफरेंट ना, तो इस तरह करके हमने प्ले किया। मैंने वो दो कैरेक्टर को डिफरेंट लाने के लिए इस तरह किया। और इस जो नौकरानी होती है वो जमींदारनी मर जाती है एक पॉइंट पे, फिर जब इसकी शादी दादा तय करते हैं उसमें मैं मेकअप एंड गेटअप लेती, फिर गेटअप लिया अपना। तो वैसे फिजा जी बड़ी अच्छी गल है, उन्दियां ते फिल्मां माली दी धी हुंदी ते इंज जेवर पाया हुंदा कि जमींदार दी धी ने ओहो जे कपड़े नहीं पाए। और अब की हीरोइन बीमार हो ना मेकअप उसने पूरा किया, टीवी की मरीज है मेकअप पूरा करके लेटी हुई, बिल्कुल ऐसे। आजकल रोल जो है वो मेकअप के हिसाब से दिया जाता है। अजकल दी हीरोइना मुंह ते इतना मेकअप थप लेंदियां ने कि अगो लंघ रही हैं, उन्होंने तो फैन कह रहे होंगे भाप शीर है, तो हीरोइन कितने सी। हीरोइना बगैर मेकअप तो कार चले जाने ना, तो बच्चे कहने उन्हें खाला हमने आपको कहीं देखा है। गेट तो खोलता ना चौकीदार, वो दरवाजे से कहता चल बाजी माफ कर सदका कल देंगे। भी कह रही है अपनी मजबूरी है उन लोगों की, और मेरी भी तो मजबूरी है, चाचा के साथ बैठी हुई हूँ। हाँ तेरी मजबूरी नहीं तेरी मेहरबानी है। पैसा बात अपने कपड़े और जुगत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आपके अंदर जुगत और कॉमेडी कूट कूट कर भरी है, इसकी वजह फैसलाबाद है या फिर आपके अंदर का शौक कि आपने एक कॉमेडियन ही बनना है? देखिए आप जब फैसलाबाद में पैदा हो जाते हैं ना फिर आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आपने कॉमेडियन बनना है। वहां पर पैदा होना ही काफी है। क्या पैदा होना कॉमेडी है, इनकी जो
वालदा है वो भी बहुत अच्छी जुगत करती थी। किसी की भी वालदा हो वहाँ पर, जिसकी भी वालदा होगी उसके अंदर ये विट होगी जरूर। तो मेरी वालदा घर के बाहर बैठी हुई थी, तो एक आदमी गुजरा वहां से, तो आके कहता माँ जी ये कच्ची बात है, कहती पुत्र टक्कर मार के देख ले। वो वहां पर वहां की फिजा में है, फिजा ड्रामा करने के लिए जाते थे ना सारे लोग। हाँ। तो अमानुल्लाह अलबेला साहब, तारक जवेद साहब, ये सारे खाना मेरे घर जाके खाते थे। हाँ। तो मेरी माँ जो थी वो इन सब की माँ थी। अच्छा। तो सारे जो जावेद कौडू मतलब हसन मुराद साहब गोशी साहब जितने भी सारे मेरे घर जाते हैं। अच्छा। तो मछली बनाई अम्मी ने। हाँ। तो उसके अंदर कांटे बहुत थे। हाँ। तो जावेद हसन साहब कहते कि इसके अंदर कांटे बहुत है अम्मी जी, तुसी कोई ऐसी मच्छी पकाओ जो कंडे ना हो। हाँ। कहते पुत्र तू खा ला, कल लाई तेरा से सप पका लांगी फिर। अमानुल्लाह साहब ऊपर वाले कमरे में बैठे खाना खा रहे थे, तो अम्मी कहती है कि मैं सालन और लेकर आती हूँ। तो कहता नहीं माँ जी मैं चला जाना, कहती पुत्र तेरे को साइकिल है। नहीं खत्म हो रहा था, दरी के ऊपर मौलवी साहब बैठे, तो एक बंदे ने जाके ना उसको मैला 10 का नोट दे दिया। हाँ। तो मौलवी साहब कहते मैंने फड़वाना ही, तो कहता मैं तेन पस्तौल देता ही। इसे तरह एक बस दे विच ना एक सफर हो रहा है, एक बंदे ने बस सिगरेट लगा लिया, दूसरे ने कहा यार बंद कर दे मेरे सिर च दर्द हो रही है, कहता वीरे मैं सिगरेट उच्ची बस चलाया हुआ है। मेरी वाइफ हम जब फैसलाबाद गई ना शादी करके, तो उसके ना उसको जुकाम हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, तो जाके कहती है डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ी सी इसकी स्टीम लें और ये साथ एक एंटी एलर्जी की गोली खाएं और ये करें इंशाल्लाह ना बेहतर हो जाएगा। तो कहती है ये ठीक। ये वीडियो देखिए आप लोगों ने, इंटरव्यू शबनम जी का बहुत ही खूबसूरत हसीन किस्म की अदाकारा है, और बहुत भरी तादाद में जो मूवीज़ है जिनमें इन्होंने काम किया, और यहाँ पे एक लेजेंडरी किस्म की हैं, और लाइक ये एक ऐसी अदाकारा हैं कि जिसको हर एक पाकिस्तानी लाइक जो 70s 80s का है वो इनको पसंद करता है, और बाकायदा इनकी जो मूवीज़ हैं उनको इसे शबनम जी की जो मूवीज़ है वो देख चुका है और इसको बहुत बहुत ज़्यादा जो प्यार है करता है। वेल यहाँ अभी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा, यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा कि पाकिस्तान से जब भी चली जाती हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ पे जाके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती हैं। वेल अभी तक जो है इन्होंने ख़ुद को मेनटेन रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं अभी भी, दिलकश किस्म की अदाएँ हैं, और मेकअप बहुत कमाल का करती हैं, शी इज़ अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटी। लाइक जिस तरह इन्होंने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है, डैट इज़ सो सो मच इम्प्रेसिव। और आप लोग क्या कहेंगे इसके हवाले से, शबनम जी के हवाले से, आप लोगों ने इनकी मूवीज़ देखी हैं पास्ट में या नहीं देखी, आप लोगों ने लास्ट भी बताना है फौरी तौर पर मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को जी लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, हाफिज़।